हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेस कर रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो होने वाली है यू वर्सेस देम। क्या करंट फीलिंग्स हैं आप दोनों की एक दूसरे को लेकर, जिनके भी साथ आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, और आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, और ये क्या चाहते हैं, ये क्या, इनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आपके सामने जब भी आएगी ये पॉपअप होकर, आपको इस रीडिंग से कोई ना कोई क्लैरिटी मिलेगी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स जो भी अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर, वो क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स की जो एनर्जी होगी वो होगी राइट साइड में। ये खुद से आया है, देखिए ये भी आना चाहता है तो ले लेते हैं। और मेरे व्यूअर्स की पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये मेरे व्यूअर्स से। ओके, ये अगर इतने ही आना चाहते हैं तो लेंगे हम। बॉटम से द लवर्स की एनर्जी है, ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन हो सकता है, फोर ऑफ वॉन्ड्स भी है, ठीक है, 11-11 की वाइब्रेशन है, डेस्टिनी ने आपको मिलाया हो ऐसा लग रहा है। आपकी तरफ जो कार्ड्स आए हैं वो है फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ कप्स। प्यार भी इससे, गुस्सा भी इससे, कुछ भी हुआ है लेकिन रीयूनियन होना चाहिए, ये आपकी एनर्जी है। इस समय आप में से काफी सारे लोग अपने पार्टनर के साथ झगड़े की वजह से सेपरेशन में हो सकते हैं। मन बहुत ज्यादा खराब है आपका, ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में 2 साल, 2 महीने, इतना मिनिमम टाइम फ्रेम है, ज्यादा भी हो सकता है, इवन 5 ईयर्स हो सकते हैं। आप लोगों ने एक दूसरे को हर्ट किया है, इवन आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, जिसकी वजह से आपका मन बहुत ज्यादा खट्टा है। आपको ऐसा लग रहा है कि अब की बार ये आया तो मैं माफ नहीं करूंगी, अब की बार ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब आप बहुत ज्यादा एग्रेशन में है इस रिश्ते को सोच सोच के, पार्टनर के बिहेवियर की वजह से बिल्कुल खुश नहीं है आप। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन ये भी दिख रहा है कि आप प्यार बहुत करते हैं। बोलते हैं ना, जिस रिश्ते में प्यार होता है झगड़ा बहुत ज्यादा होता है उसी में, तो यही एनर्जी यहां पे भी है कि आप, झगड़ा बेशक हुआ है आपका, लेकिन आज भी ये आपकी कमजोरी का कारण है कि आपके पर्सन अगर एक बार आपसे प्यार से बात कर लें तो आप मान जाएंगे। आप ऐसे नहीं है कि इसने ये बोल दिया ठीक है अब मैं इससे बदला लूंगा या लूंगी, शायद ही कोई एक ऐसा हो, अदरवाइज सबके सब ऐसे हैं जिनको रियूनियन चाहिए, जो अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, आज भी माफ कर देंगे अगर आके प्यार से बात कर ले, आपको 10 मिनट दे दे ठीक से, आप मान गए, समझ लीजिए ये एनर्जी है, क्योंकि प्यार है। रीयूनाइटेड नहीं है तो रीयूनियन चाहते हैं, फिर से वो पार्टनरशिप, वो फ्रेंडशिप, वो रिलेशनशिप चाहते हैं, वो मैच्योरिटी चाहते हैं रिश्ते में, जो कभी रिसेंट पास्ट में हुआ करती थी। आप दोनों साथ साथ एक दूसरे के साथ टाइम को स्पेंड कर रहे हैं, एक दूसरे के काम आ रहे हैं, एक दूसरे को समय दे रहे हैं, सब कुछ इक्वल चल रहा था, वही इक्वालिटी आप मिस कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि फिर से आपके पास वो चीजें वापस आए, वो समय लौट आए जो आपका पहले इनके साथ रहा है, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ अगर बात करें एनर्जी की, तो वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स, अरे रे 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 रे, द वर्ल्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स हमारे आ गए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पार्टनर की एनर्जी में भी आप तो देखिए, ये तो लड़ गए आपसे, ठीक है, आप तो नाराज हैं, लेकिन फिर भी आप माफ कर देंगे क्योंकि आपके जोड़ीदार हैं ये, आपके आपके पार्टनर हैं, लव पार्टनर हैं। आपके पर्सन की अगर एनर्जी की बात करें तो ये, इनको भी पता है कि आप गुस्से में हैं, आपको गुस्सा है इस समय, और आप इन्हें कुछ उल्टा सीधा भी बोल सकते हैं जब ये आपसे कनेक्ट करें, कॉन्टेक्ट करें। बट ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि अब यार मुझे इससे प्यार है। इनको देखिए अकेले में रियलाइज हुआ है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि मैं वापस जाता हूं या जाती हूं तो यार वो पुरानी बातों को भुला दे और इस रिश्ते में ना मुझे माफ कर दे, जिससे चीजें बैलेंस हो पाए, वरना फिर से सब कुछ खराब हो जाएगा। तो ये उस लेवल पे सोच रहे हैं, और ये आपके गुस्से से डर भी रहे हैं। अगर कोई बहुत गुस्से वाला है आप में से, स्टबर्न है, ईगोइस्टिक है, और सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा वैल्यू करता है या करती है, तो इनके, आपके जो पार्टनर हैं, इनको आपसे डर लग रहा है, आपकी स्वॉर्ड से डर लग रहा है, तलवार से ये एनर्जी। कुछ लोगों के केस में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको बहुत ही सोच समझकर कमिटमेंट देना चाहते हैं। आप गुस्सा हुए आप हैं या नहीं है, लड़ाई झगड़ा हुआ है या नहीं, बट इनके पास कमिटमेंट देने के लिए वक्त है, मतलब समय लेना चाहते हैं कमिटमेंट ऑफर करने में।
इनकी फीलिंग्स में नजर आ रहा है कि आपको लेकर पोजेसिव है और ये आपको छोड़ ना पाए या ये कनेक्शन खत्म ना हो, तो ये आपको रोके रखना चाहते हैं कुछ बातें बोलकर, कुछ कमिटमेंट ऑफर करके, कोई छोटे टाइम का प्रपोजल, जब तक कि यार एटलीस्ट ये तो मान लो ना तुम, ऐसी वाली एनर्जी है यहाँ पे। ये आपके साथ ही कंप्लीशन फील करते हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये आपसे अच्छे से बात करना चाहते हैं, चाहे सोशल मीडिया है चाहे रियलिटी है, बट ये आपके साथ ब्रांड न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये शादी भी करना चाहते हो तो आपसे करना चाहते हैं। ये इस समय काफी ज्यादा इस डिवाइन कनेक्शन को, इस एंजेलिक कनेक्शन को फील कर रहे हैं आपके साथ में। एंड यस, ये आपसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इनका इंडिविजुअल लव अगर आप देखेंगे तो मैं बोलूंगी कि आप तो इक्वल जा रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी में क्वीन ऑफ कप्स नहीं है, जबकि ये पर्सन की एनर्जी में किंग ऑफ कप्स आया है, ठीक है। तो अगर इनका प्यार अगर ये दिखाने पे आए तो शायद आप संभाल भी ना पाए। अगर ये इस समय पर आप किसी सही व्यक्ति से डील कर रहे हैं तो इनको एक एक चीज का आभास है, रियलाइजेशन है, और आपकी जो जगह इनके मन में है वो डेफिनेटली किसी और की नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर ये आपकी तरफ ऑफर करें, आप इनको समझें, तो आप इनको समझें और इस रिश्ते को इनके साथ ग्रो करने में, नर्चर करने में इनकी मदद करें, जिससे ये रिश्ता किसी नेक्स्ट लेवल तक जा सके जो सॉलिडिटी से रिलेटेड है। सो गाइज, ये थी यू वर्सेस देम करंट फीलिंग्स, एक्सपेक्टेशंस आप दोनों की एक दूसरे से। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।